आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को टॉप 5 बेस्ट फोन बताने वाला हूँ जो आपको अंडर 12,000 मिल जाएंगे। और ये फोन जो है ना भाई, सभी एस्पेक्ट के अंदर तगड़े फोन मिल जाते हैं। मतलब गेमिंग की बात कर लो, चाहे परफॉर्मेंस, ये तो एक ही बात हो गई ना, चाहे कैमरे की बात कर लो, डिस्प्ले की बात कर लो, बैटरी की बात कर लो, मतलब हर एक चीज के अंदर किलर फोन है। मतलब आपको ऐसे कुछ निराशा नहीं होगी कि भाई ये फोन लेके मैंने गलती कर दी यहाँ पर, जबकि आपकी कंफ्यूजन और हो जाएगी कि आप इन पांचों में से कौन सा फोन लेने वाले हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ऐसे कंफ्यूजन आएगी तो मैं आपको बता दूंगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट फोन रहने वाला है। क्योंकि हर बंदे की रिक्वायरमेंट अलग होती है भाई। किसी को कैमरे के लिए फोन चाहिए होता है तो उसके लिए वो परफेक्ट फोन हो जाता है, उसको परफॉर्मेंस से इतना मतलब नहीं होता। किसी को ऑलराउंडर फोन चाहिए होता है, किसी को परफॉर्मेंस बीस चाहिए होता है। तो हर बंदे की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर बंदे के लिए एक परफेक्ट फोन अलग होता है। तो जो आपके लिए परफेक्ट हो जरूरी इस बंदे के लिए भी परफेक्ट होगा, जो इस बंदे के लिए परफेक्ट हो जरूरी कि आपके लिए भी परफेक्ट होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, मैं फोन की अच्छाई के साथ आपको बुराई भी बता दूंगा, प्राइस वगैरह सारी चीजें आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा, कितने प्राइस में कितनी रैम वगैरह रोम वगैरह आपको मिलती है। तो करते हैं वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। हेलो सल्तनत, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पांच बहुत ही बढ़िया जबरदस्त थॉकड़ पार्ट फोन के बारे में बताने वाला हूँ, यानी कि टॉप 5 बेस्ट गेमिंग फोन या फिर ऑलराउंडर फोन अंडर 12,000। इधर आपको चाइनीज प्लस नॉन चाइनीज दोनों ही फोन मिल जाएंगे, तो वो आपकी मर्जी, आपको नॉन चाइनीज लेना है चाइनीज लेना है वो आपके ऊपर जाता है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को करते हैं जल्दी से स्टार्ट। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर भी कर लेना, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लेना। अब करते हैं रियल वाला स्टार्ट। तो आपको जो फोन बताऊंगा भाई वो बॉटम टू टॉप बताऊंगा, यानी कि पहले नंबर 5, 4, 3, 2, 1। तो अब चलते हैं अपने लिस्ट के फिफ्थ फोन पर। हमारे लिस्ट का फिफ्थ फोन आता है सैमसंग गैलेक्सी M21, एंड ये आपको एक नॉन चाइनीज फोन मिल जाता है। पहले इसकी डिस्प्ले वगैरह एंड मतलब स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, बाद में आपको प्राइस बताता हूँ। तो शुरुआत कर लेते हैं डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो इधर आपको 6.4 इंचेस का सुपर एमोलेड पैनल मिल जाएगा, यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिल जाएगी, बैक साइड के अंदर आपको 3 कैमरे मिलेंगे, बैक साइड के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाएगा, एंड जो आपको बैक मिलेगी प्लास्टिक की बैक मिलेंगी। वही चलते कैमरे डिपार्टमेंट, जैसे आपको बता दिया बैक साइड के अंदर आपको 3 कैमरे मिलते हैं, 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। यहाँ पर आप 4K रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, एंड बात की जाए सेल्फी की तो इधर आपको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। तो इस फोन के चलते आप थोड़े से वीक पॉइंट पर, यानी कि इस फोन के अंदर आपको प्रोसेसर इतना तगड़ा नहीं मिलता, प्राइस के हिसाब से ठीक है, बट लेकिन अगर आप गेमिंग वगैरह के लिए कोई फोन देख रहे हो तो इस फोन को स्किप कर सकते हो। कैजुअल गेमर हो अगर आप लोग, मतलब कभी कभार गेम खेल लेते हो, पबजी जैसी हैवी गेम नहीं खेलते, टेंपल रन जैसी गेम खेलते हो, तो आपके लिए फोन हो जाता है। बट लेकिन अगर आप एक हैवी गेमर हो तब इस फोन को आप लोग स्किप कर सकते हो। तो चलते प्रोसेसर डिपार्टमेंट में। इधर आपको एक्सिनोस का 9611 का प्रोसेसर मिलेगा, 10nm का प्रोसेसर, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, माली G72 का आपको GPU मिल जाएगा। चलते बैटरी डिपार्टमेंट में, इधर आपको 6000mAh की बैटरी मिल जाएगी, टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा, एंड यहाँ पर आपको 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी मिल जाएगी। तो आपको ये बोलना चाहता हूँ, अगर गेमिंग के हिसाब से कोई फोन देख रहे हो तो इस फोन को आप स्किप कर सकते हो, एंड अगर आप लोग कोई ऐसा फोन देख रहे हो जिधर आपको डिस्प्ले से ज्यादा काम हो, मतलब सुपर एमोलेड पैनल मिल जाए, काफी तगड़ी बैटरी मिल जाए, बड़ी ब्रांड मिल जाए, यानी कि सैमसंग जैसी ब्रांड मिल जाए, एक नॉन चाइनीज फोन मिल जाए, तब आप लोग इस फोन की तरफ जा सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रोसेसर बेकार है, बट लेकिन हाँ, एक गेमिंग का असली मजा नहीं आने वाला इस प्रोसेसर के अंदर, अगर कैजुअल गेमर हो तो जा सकते हो इस फोन की तरफ। वही बात कर लेते हैं फोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो इधर आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है डिस्प्ले पर, यहाँ पर आपको डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन मिल जाता है, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, एंड्रॉइड 10 मिल जाता है, 1 UI मिल जाता है, सारे सेंसर मिल जाते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की। तो इधर आपको 4GB रैम 64GB की रोम मिलेगी, जिसका प्राइस आपको 14,000 का पड़ेगा। तो अभी आप लोग सोचो कि भाई वीडियो तो 12,000 के, तो मैं 14,000 का फोन क्यों बता रहा हूँ? तो भाई अगर आप एक नॉन चाइनीज फोन लेना चाहते हो, अच्छी ब्रांड का फोन लेना चाहते हो, तो आप लोग 14,000 पे कर सकते हो अगर आपको इंस्टेंट फोन लेना है, वरना आप लोग सेल वगैरह का भी वेट कर सकते हो यार, जहां पर आपको ये फोन अंडर 12,000 मिलेगा, यानी कि 12,000 से कम के प्राइस में मिलेगा। क्योंकि आपको पता है GST वगैरह बढ़ चुके हैं, जिस वजह से सभी फोन के प्राइस बढ़ चुके हैं, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। क्योंकि हमने जब लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी अंडर 12,000 की, उसके अंदर ये फोन था, एंड ये उस टाइम अंडर 12,000 आपको मिला था, बट इस बार इसका प्राइस बढ़ चुका है GST की वजह से, तो ये थोड़ी दिक्कत है। बट अगर आप लोग इसको सेल में लोगे तो आपको अंडर 12,000 मिल जाएगा ये फोन, एंड अगर आप इंस्टेंट लेना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि एक नॉन चाइनीज फोन मिलता है तो सिक्योरिटी वगैरह पे ज्यादा ध्यान रखा गया है, टाइम टू टाइम अपडेट मिल जाते हैं, सैमसंग का इतना तगड़ा वाला यहाँ पर UI भी मिल जाता है, एंड ब्रांड वैल्यू भी सैमसंग की काफी तगड़ी है। अभी चल लेते हैं अपने लिस्ट के फोर्थ फोन पर।
हमारी लिस्ट का फोर्थ फोन आता है Vivo U20। शुरुआत करते हैं डिस्प्ले एंड डिजाइन से। इधर आपको 6.3 इंच का IPS पैनल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको वर्टिकल ड्रॉप नॉच मिलेगी। बैक साइड के अंदर आपको 3 कैमरा मिलेंगे। बैक साइड के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। एंड जो आपको बैक मिलेगी प्लास्टिक की बैक मिलेगी। तो चलते हैं कैमरा डिपार्टमेंट में। जैसे आपको पता है बैक साइड के अंदर आपको 3 कैमरे मिलते हैं, 16 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट के लिए। यहाँ पर आपको 4K रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। बात कीजिए सेल्फी की, तो आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी भी मिल जाती है। तो बात करते हैं प्रोसेसर की, तो इधर आपको स्नैपड्रैगन का 675 का प्रोसेसर मिल जाएगा। जो आपको 11 का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, एड्रिनो का 612 का आपको जीपीयू भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है, 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, माइक्रो यूएसबी का यहाँ पर आपको पोर्ट मिल जाता है। तो वही बात कर लेते हैं फोन की कुछ एक्सप्रेस फीचर्स की। तो इधर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाता है, यहाँ पर आपको फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, एंड्रॉइड 9 मिल जाता है, फ्रंट टच ओएस मिल जाता है, सारे सेंसर मिल जाते हैं। अभी बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की, तो यहाँ पर आपको 4GB की रैम 64GB की रोम मिल जाएगी 12000 के प्राइस पर। तो अगर आप लोग को ऐसे रियलमी या फिर शाओमी वगैरह का फोन नहीं लेना चाहते, आप लोग वीवो का कोई फोन लेना चाहते हो जिधर आपको अच्छा मतलब ऐसे कैमरा भी मिल जाए, क्योंकि वीवो की सेल्फी आपको पता होगा ऐसे चमकदार रोशनी वोशनी होती है, तो आप लोग सेल्फी के लिए फोन ले सकते हो। बाकी गेमिंग के लिए भी काफी तगड़ा फोन आपको मिल जाता है, बैटरी वगैरह भी काफी अच्छी मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग वगैरह भी मिल जाती है इधर अच्छी, तो आपको एक ऑलराउंडर फोन मिल जाता है। बट कमी है कि ये फोन थोड़ा सा पुराना हो चुका है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। तो अगर आप लोग कोई नया ऑलराउंडर फोन लेना चाहते हो तो वीडियो को आगे देखते रहो। तो चलते अपने लिस्ट के थर्ड फोन पर। तो हमारे लिस्ट का थर्ड फोन आता है Redmi Note 9। एंड ये फोन काफी लेटेस्ट फोन है, मतलब अभी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुआ है। तो शुरुआत कर लेते हैं डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो इधर आपको 6.53 इंच का फुल एचडी प्लस का IPS पैनल मिलेगा। यहाँ पर आपको पंच होल नॉच मिल जाएगी, प्लास्टिक की बैक मिलेंगे, एंड बैक साइड के अंदर आपको 4-4 कैमरे मिल जाएंगे। एंड इधर आपको एक ट्रेंडी चीज मिल जाती है, मतलब पंच होल तो काफी तगड़ी लगती है। तो वही चलते कैमरा डिपार्टमेंट में। इधर आपको बैक साइड के अंदर 4 कैमरे मिलते हैं, 14 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट के लिए, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। बात की जाए वीडियो रिकॉर्डिंग, तो इधर आप 1080 पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। वही बात करते हैं सेल्फी की, नहीं मतलब सेल्फी की बात करते हैं। तो इधर आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी भी मिल जाती है। चलते हैं प्रोसेसर डिपार्टमेंट में। तो इधर आपको MediaTek UG85 का प्रोसेसर मिलता है, 12nm का प्रोसेसर, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, माली G52 का आपको GPU मिल जाता है। तो अपने प्राइस के हिसाब से काफी तगड़ा प्रोसेसर इधर आपको मिल जाता है Redmi की तरफ से। तो अगर आप लोग कोई लेटेस्ट फोन देख रहे हो एंड एक ऑलराउंडर फोन देख रहे हो, क्योंकि इधर आपको प्रोसेसर अच्छा मिलता है, बैटरी में आपको बताऊंगा भी अच्छी है, ट्रेंडी डिजाइन मिल जाता है, Redmi टाइम टू टाइम अपडेट भी देता है, सर्विस सेंटर भी मतलब Redmi के काफी सही आपको मिल जाते हैं। तो भी बात करते हैं बैटरी की, तरफ आपको 5020mAh की बैटरी मिल जाती है, 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग एंड टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है। एंड इधर एक चीज अच्छी लगती है भाई, बॉक्स के अंदर ना आपको 18 वोल्ट का चार्जर नहीं मिलता, 18 से भी ज्यादा वोल्ट का इधर चार्जर मिलता है, 22.5 वोल्ट का इधर आपको चार्जर मिलता है इसके बॉक्स के अंदर। तो मतलब लोग कम देते हैं बट Redmi हम ज्यादा देंगे, इनका अलग स्वैग चल रहा है Redmi का। तो बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर की। तो इधर आपको बैक साइड के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाएगा, 3.5mm का जैक मिल जाएगा, सारी सेंसर मिल जाता है, आईआर ब्लास्टर मिल जाता है, डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाता है, एंड्रॉइड 10 मिल जाता है, MIUI 11 मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास 5 की आपको प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। तभी बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की। तो इधर आपको 4GB की रैम 64GB की रोम मिल जाएगी 12000 के प्राइस पर। तो अगर आप लोग एक ऑलराउंडर फोन देख रहे थे ना, मतलब जिधर आपको बड़ी बैटरी भी मिल जाए, अच्छी डिस्प्ले भी मिल जाए, एंड यहाँ पर मतलब आपको गेमिंग वगैरह भी काफी अच्छी मिल जाए, तो आप लोग इस फोन की तरफ जा सकते हो। काफी तगड़ा फोन है, ऑलराउंडर फोन। वरना चलते अपने लिस्ट के थर्ड, नहीं थर्ड तो आ चुका ना, वरना चलते अपने लिस्ट के सेकंड फोन पर। तो हमारी लिस्ट का जो सेकंड फोन आता है ना, ये थोड़ा सा पुराना फोन है बट लेकिन आपको बताऊंगा भाई, जो फोन मतलब पहले ज्यादा प्राइस पे लॉन्च होते हैं पर जब वो पुराने होते हैं उनका प्राइस कम होता रहता है, पर स्पेसिफिकेशन तो सेम ही रहती है ना, तो इसी वजह से इस फोन को हमने नंबर 2 पर रखा है, क्योंकि इधर आपको काफी तगड़ी तगड़ी चीजें मिल जाती है, प्रोसेसर बहुत तगड़ा मिल जाता है, एंड सबसे तगड़ी चीज यहाँ पर आपको टेलीफोटो लेंस भी मिल जाता है, जो काफी ही तगड़ी चीज मुझे लगती है। तो अपनी लिस्ट का आता है सेकंड फोन, Lenovo K10 Note। शुरुआत कर लेते हैं डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो इधर आपको 6.3 इंच का फुल एचडी प्लस का IPS पैनल मिलेगा। यहाँ पर आपको वर्टिकल ड्रॉप नॉच मिल जाएगी, बैक साइड के अंदर आपको 3 कैमरे मिलेंगे, बैक साइड के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाएगा, एंड जो आपको बैक मिलेगी प्लास्टिक की बैक मिलेगी, तो ये थोड़ी सी यहाँ पर मतलब कॉस्ट कटिंग की गई है। तो चलते कैमरा डिपार्टमेंट में। इधर आपको बैक साइड के अंदर 3 कैमरे मिलते हैं, 16 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस। यहाँ पर आपको 2x ऑप्टिकल जूम मिल जाएगा प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए भी मिल जाता है। बात करते हैं सेल्फी की, तो इधर आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी भी मिल जाती है।
तो चलते हैं प्रोसेसर डिपार्टमेंट। प्रोसेसर इधर काफी तगड़ा प्रोसेसर मिल जाता है आप लोगों को। इधर आपको स्नैपड्रैगन का 710 का प्रोसेसर मिलता है, 10 nm का प्रोसेसर, एड्रीनो का 616 का जीपीयू मिल जाता है, एंड ये आपको एक ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिल जाता है। बात की जाए बैटरी की, तो इधर आपको एक डिसेंट बैटरी मिलती है, मतलब एवरेज। तो इधर आपको 4050 mAh की बैटरी मिलती है। यहाँ पर आपको टाइप सी का बोर्ड मिल जाता है, 18 volt की फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है। बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाता है, एंड्रॉइड 9 मिल जाता है, ZUI 11 मिल जाता है, फिंगरप्रिंट और फेस के दोनों के ऑप्शन मिल जाते हैं। अभी बात करते हैं रैम एंड वेरिएंट की, मतलब रैम एंड रोम की। तो इधर आपको 6GB की रैम एंड 128GB की रोम, मतलब रैम भी भर भर के, रोम भी भर भर के, और प्राइस काफी सही मिल जाता है। इस फोन के प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 12,000 का प्राइस के अंदर इतनी तगड़ी तगड़ी चीजें मिल जाती है, मतलब तगड़ा प्रोसेसर गेमिंग के हिसाब से काफी तगड़ी चीज है। यहाँ पर आपको तगड़ी डिस्प्ले भी मिल जाती है, एंड यहाँ पर आपको तगड़ा कैमरा, टेलीफोटो लेंस वगैरह भी मिल जाता है। बस मेरे को कमी लगती है तो हाइब्रिड सिम स्लॉट की यहाँ पर कमी लगती है, एंड ये फोन थोड़ा पुराना हो चुका है। एंड जो लेनोवो का UI है वो भी इतना कुछ ना खास नहीं है, मतलब रियलमी के अगर UI से कंपेयर करते हैं या फिर MIUI से कंपेयर करते हैं तो उनकी टक्कर का नहीं है। एंड फोन पुराना वगैरह हो चुका, तो इधर आपको सिक्योरिटी वगैरह के अपडेट भी नहीं मिलेंगे, तो ये थोड़ी सी फोन के साथ दिक्कत हो जाती है, वरना फोन अपने प्राइस को काफी अच्छे तरीके से जस्टिफाई करता है। वैसे दोस्तों अगर आप लोग ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि हम बहुत ही जल्दी 5000 क्रॉस कर देंगे। तो आप लोग जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम 5000 को जल्दी ही ऐसे आगे निकल जाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए हो सके तो, एंड और क्या बचता है, कमेंट भी कर दीजिए आपको कौन सा फोन पसंद आ रहा है, या आगे वाला फोन भी देख लो, फिर आप बताओ कि मतलब आपकी क्या राय है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। तो चलते हैं अपने लिस्ट के एक फोन पर। तो हमारी लिस्ट का नंबर 1 फोन आता है Realme 6i, एंड ये काफी लेटेस्ट फोन है, मतलब काफी ही लेटेस्ट फोन है, एंड ये गेमिंग भी बीस्ट फोन है। बट यहाँ पर कमी थोड़ी सी लगती है कि इस फोन के अंदर शायद मैं बता रहा हूँ हीटिंग इशू हो सकता है, क्योंकि Realme 6 के अंदर आपको हीटिंग इशू मिलता है। तो ये Realme 6 का छोटा भाई है, मतलब ज्यादा छोटा भाई नहीं है, ऐसे एक दो महीने छोटा भाई है, क्योंकि इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट Realme 6 जैसी ही स्पेसिफिकेशन मिल जाती है, एंड प्राइस उससे कम मिलता है। तो ये काफी तगड़ी चीज है इस फोन के साथ, एंड गेमिंग बीस्ट तो काफी तगड़ा है, डिस्प्ले भी काफी तगड़ी है, काफी तगड़ा फोन है ये। तो शुरुआत कर लेते हैं डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो इधर आपको 6.5 इंचेस का फुल एचडी प्लस का 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला IPS पैनल मिलता है। यहाँ पर आपको पंच होल नोच मिल जाते हैं, प्लास्टिक बैक मिल जाते हैं, बैक साइड के अंदर आपको 4 कैमरे भी मिल जाते हैं। तो वहीं चलते हैं इसके कैमराज डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर आपको 48 MP प्लस 8 MP अल्ट्रा वाइड प्लस 2 MP मैक्रो शॉट एंड 2 MP डेप्थ सेंसिंग के लिए मिल जाता है। बात की जाए रिकॉर्डिंग की, तो यहाँ पर आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो, एंड सेल्फी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 16 MP की सेल्फी मिल जाती है। तो चलते हैं प्रोसेसर, यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट में। अगर आप गेमिंग के लिए कोई फोन देख रहे हो तो आप इस फोन की तरफ आंख बंद करके जा सकते हो। बट इस फोन के प्रोसेसर के साथ दिक्कत क्या है ना, कि आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी नहीं मिलती इस फोन के अंदर। तो जिस वजह से ये फोन में अगर आप ज्यादा देर गेम वगैरह खेलोगे ना, तो आपको यहाँ पर क्या होगा कि जो फोन का बैक होगा वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेसर काफी ज्यादा पावरफुल है इसके अंदर। एंड जो मतलब पावर जब चाहिए होती है भाई, मतलब ज्यादा पावर होगी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिस वजह से आपकी जो बैक होगी वो यहाँ पर हीट हो जाएगी। और ये मेरे को मतलब कंफर्म नहीं कि होगी या नहीं होगी, क्योंकि Realme 6 के अंदर ये वाला इशू है जहां पर आपकी बैक जो होती है वो हीट हो जाती है। तो कल मेरे एक भाई ने बताया था कि भाई मतलब अब तो नहीं है, तो पता नहीं कि भाई अभी सॉल्व करा या नहीं करा, या उस बंदे के साथ ही ऐसा हो कि उसके फोन के अंदर हीटिंग इशू ना हो रही हो। तो इसलिए मैं बोल देता हूं कि Realme 6i के अंदर शायद आपको हीटिंग इशू मिल सकता है। तो बात की जाए प्रोसेसर की, तो अगर आपको MediaTek Helio G90T का प्रोसेसर मिल जाता है, एंड एक गेमिंग बीस्ट प्रोसेसर आपको मिलता है, या आपको 12 nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, मानी G76 का आपको GPU भी मिल जाता है। तो चलते हैं बैटरी डिपार्टमेंट में। तो अगर यहाँ पर आपको ना ऐसे काफी तगड़ी बैटरी मिल जाती है, मतलब कि एक जो एवरेज होती है उसको इसने क्रॉस कर लिया है। तो यहाँ पर आपको 4300 mAh की बैटरी मिल जाती है, 30 W की ये फोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, बट यहाँ पर आपको बॉक्स के अंदर 20 W का चार्जर मिलता है। 20 W का चार्जर मतलब भाई इनफ है, मतलब ठीक है यार, मतलब 4300 mAh की बैटरी 20 W का चार्जर ठीक है, मतलब इतनी भी कुछ बेकार डील नहीं है। तो यहाँ पर आपको टाइप सी का पोर्ट भी मिल जाता है। बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर की, तो इधर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, सारे सेंसर मिल जाते हैं, डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाता है, एंड्रॉइड 10 मिल जाता है, Realme UI मिल जाता है, एंड यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन यानी कि 3K प्रोटेक्शन भी मिल जाती है डिस्प्ले पर। तो अभी बात कर लेते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की। तो यहाँ पर आपको 4GB रैम एंड 64GB की रोम वाले का प्राइस मिलता है 13,000। तो अभी आप फिर सोचोगे
लेके बाद पहले मतलब एक बार तो समझ आता है कि एक बार मतलब थोड़ा महंगा फोन था, वो नॉन चाइनीज फोन था, बट ये चाइनीज फोन हो गई 12,000 की लिस्ट के अंदर क्यों है। तो भाई अगर आप लोग इस फोन को सेल में लोगे तो मैं नहीं बोल रहा कि 12,000 से नीचे आएगा, बट लेकिन आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा जिस वजह से आपको 12,700 या 12,500 का ये फोन पड़ जाएगा। बट लेकिन आप थोड़े से पैसे अगर आप इस फोन में एक्स्ट्रा डालोगे, यानी कि अगर आपका बजट है 12,000 का, या फिर अगर आप थोड़ा मतलब 1,000 भी ऐड कर दो, इंस्टेंट फोन लेना चाहते हो, आपसे सेल का वेट नहीं हो रहा, तो आप 13,000 में भी इस फोन को ले सकते हो। काफी तगड़ी डील है, गेमिंग वगैरह हिसाब से काफी तगड़ा फोन है, एंड इधर आपको डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट भी काफी तगड़ा मिल जाता है 90Hz का, तो काफी स्मूथ आपका गेमिंग एक्सपीरियंस रहने वाला है। बट मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ कि इस फोन के अंदर शायद आपको हीटिंग इशू मिल सकते हैं। एंड रियलमी ने एक चीज और अच्छी करी है कि रियलमी यहाँ पर अपडेट ला चुके हैं जिसमें कि आपकी चीता मीता जैसी जितनी भी ऐप थी, मतलब जिसको प्राइवेसी से रिलेटेड हमारे बैन किया गया था, एंड इन चाइनीज फोन के अंदर ये ऐप थी, तो यहाँ पर ये ऐप को ऐसे लात मार के बाहर निकाल दिया गया फोन से। तो काफी सही करा यार Realme ने ये चीज कि मतलब सबसे पहले स्टेप लिया एंड अपने यूजर्स का जो मतलब डाटा वगैरह उनको बचाने के लिए यहाँ पर इस ऐप को बाहर निकाल लिया, तो काफी सही चीज करी है वैसे Realme ने। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपको इन पांचों फोन में से सबसे तगड़ा फोन कौन सा लगा है, एंड बात कीजिए मेरे पिकअप की, मैं होता तो मैं इधर कौन सा फोन लेता। तो भाई अगर मेरा बजट होता है 12,000 का बिल्कुल टाइट, तो मैं इधर जाता Redmi Note 9 के साथ। वहीं अगर मेरा बजट होता 13,000 का, तो मैं इधर Realme 6i के साथ। और यार फोन बन जाता है बीच में, मतलब दिक्कत है, फिर फोन बज गया, मतलब हद हो गई। या फिर अगर मैं अपना बजट बढ़ा सकता, यानी जो मेरा बजट था 12,000 का उसको मैं 13,000 पे ले आता, तो भाई मैं Realme 6i की तरफ जाता, वरना अगर मेरा बजट तो 12,000 का, तब मैं Redmi Note 9 को लेता। दोनों ही फोन काफी तगड़े फोन है, मतलब अगर आपको गेमिंग बीस्ट चाहिए तो आप भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करके Realme 6i की तरफ जा सकते हो, वरना Redmi Note 9 की कोई कम फोन नहीं, ऐसा नहीं कि गेमिंग उसके अंदर लैग वगैरह हो रही है, नहीं भाई आप गेम उसमें आराम से खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली उसके अंदर भी। तो सल्तनत, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लो, एंड मुझे इंस्टाग्राम पर आप लोग फॉलो भी कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलता है कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।